हूं दिलजीत कौर, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक स्कूलों के 854 सहायक अध्यापकों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर दे नौनिहालों को शिक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के अंतिम दिन कूड़ाघाट स्थित निर्माणाधीन एम्स कार्यो की प्रगति का किया निरीक्षण, कहा 2 साल में लोगों को मिलेगा एम्स में इलाज का पूरा लाभ। लखनऊ रवाना होने से पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने नन्ना नगर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे अंडरपास के एक निर्माण कार्य का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का दिया निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है कटिबद्ध, प्रदेश में 20,000 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है जारी। साइबर अपराध पर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला, पुलिस कर्मियों को दी गई साइबर क्राइम रोकने की जानकारी। मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि। शराब से हुई मौत तो दोषी को दी जाएगी फांसी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नियम बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य, गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार बदली तो स्कूलों के हालात भी बदले हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर में महिला की हुई मौत, कार्यवाहक मुख्य अभियंता ने संभाला कार्यभार, विद्युत कर्मचारियों ने किया स्वागत। मजदूर दिवस पर विभिन्न संगठनों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। दुर्घटनाओं से बचने के लिए विद्यालय में बच्चों को यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के बारे में किया जा रहा है जागरूक, और मजदूरों को जागरूक करने के लिए मजदूर दिवस के दिन मजदूर यूनियन के संगठनों ने निकाली पद यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में आयोजित समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 854 बीटीसी एवं टीटी उत्तीर्ण शिक्षार्थियों का परिषदीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद का नियुक्ति पत्र वितरित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में महाराजगंज के 57, देवरिया के 252, कुशीनगर के 90, बस्ती के 215, सिद्धार्थनगर के 52, बहराइच के 40, अम्बेडकर नगर के 18 तथा सुल्तानपुर के 50 शिक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर उन्होंने नियुक्त शिक्षकों को कर्तव्य प्राणियंता तथा स्वच्छता मिशन की शपथ भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 12,460 शिक्षार्थी अध्यापक पद के लिए संघर्षरत थे। वैसिक शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में उनकी प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई और इनकी दक्षता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। हमने इनको नियुक्ति पत्र इसलिए दिया कि ये योग्य थे और हमें योग्य शिक्षक की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नियुक्त शिक्षक संकल्प लें कि वे राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत शिक्षा नौनिहालों को देंगे। प्रदेश की वैसिक शिक्षा, बाल विकास, पुष्टाहार, राजस्व एवं वित्त राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। नियुक्त सभी शिक्षक संकल्पबद्ध होकर कार्य करें ताकि नई पीढ़ी को बेहतर शिक्षा मिले। धन्यवाद ज्ञापन वैसिक शिक्षा निर्देशक सवेंद्र विक्रम ने दिया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विपिन सिंह, शीतल पांडे, कृषि उत्पादन आयुक्त राज प्रताप सिंह, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, एडी वैसिक जे एन सिंह उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा आदित्यनाथ जी महाराज जी दीक्षा भवन सभागार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। के द्वारा
हमारे जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी गोरखपुर, जिला विशिष्ट शिक्षा महोदय का स्वागत एवं अभिनंदन पुष्प कनिका का कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती रखा गोरखपुर में रहते हुए बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए निरंतर वचनबद्ध है और प्रयासरत है। हमारा मानना है किसी राष्ट्र की सकल पूंजी उस देश के बच्चे होते हैं, और अगर उस देश का बच्चा सुशिक्षित होगा तो निश्चित रूप से वह राष्ट्र प्रगति करता है। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही उत्तर प्रदेश की कमान है वो है उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग। उनकी चिंता का आप अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो माननीय सांसदगण हो, माननीय विधायकगण हो, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हो, और यहाँ तक कि ग्राम प्रधान हो, मैंने तो पत्र लिखा ही अपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रमों से भी माननीय जी ने एक एक व्यक्ति को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनसे बड़ा ही विनम्र और बड़ा ही भावपूर्ण आग्रह करने का काम किया है। ये छोटा सा उदाहरण इस बात का परिचायक है कि कैसे वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नौनिहाल आगे बढ़े, बढ़कर शिक्षा का ज्ञान प्राप्त करके उत्तर प्रदेश का नाम न केवल देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको बढ़ावा देने में अपना योगदान कर सके। आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं। क्या आप एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं? यह आप सबके जीवन के लिए एक अद्भुत क्षण होना चाहिए। एक संकल्प का दिवस होना चाहिए। क्योंकि एक शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, एक योग्य यूजर के रूप में आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, जिससे हम सब यहां पर उपस्थित हैं। पहली बार हो रहा है जब नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जारी होने के पहले उनके बीच में एक संबोधन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा और उनसे जुड़े हुए सभी अधिकारियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक पहल की। वास्तव में आप सब भटक रहे थे। न्यायालय के आदेश के बाद आप सब की स्थिति दर्शन को जैसी हो गई। मुझे जानकारी मिली कि
बीटीसी टीवी पास अभ्यर्थी हैं, उन लोगों ने अपनी मांग को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री का घर घेरा हुआ है। तो वास्तव में मैंने स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री को फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या इनकी समस्या है, क्योंकि मैंने हर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं पहले से कि किसी भी फाइल को लटकाने की आदत से भी बाहर जाएं और जिस समस्या का समाधान होना है उसका तत्काल समाधान करते बिना राग द्वेष के उसमें तत्काल निर्णय लें। उसके बाद मैंने स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री से कहा, मैंने कहा उसमें से जो लड़के मिलना चाहती है, क्योंकि बातचीत 1000-1200 लोगों से नहीं हो सकती, लेकिन उनके प्रतिनिधि 5-7 जो लोग होंगे उन लोगों को लेकर के आप आइए, अपर मुख्य सचिव को और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों को लेकर के आए और उन्हें लेकर के एक बार मेरे सामने वो बैठे, आखिर कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान ना हो सकता हो। और बातचीत होने के बाद मैं देख रहा था वहां पर बहुत सारे लोगों के सामने अवसर था, वह एक ऐसा क्षण था जो एक शब्द से उनके जीवन में एक नया सवेरा भी हो सकता है और एक अंधेरा भी आ सकता है, लेकिन हमने कहा कि नहीं, नया सवेरा लाना है और इसमें कुछ भी देर किए जाने की आवश्यकता नहीं। अगर न्यायालय ने हमारे ऊपर सौंपा है और सुप्रीम कोर्ट कहता है योग्य शिक्षक चाहिए, तो इनसे योग्य दूसरा नहीं है, क्योंकि बीटीसी के हमारी तो वही आवश्यकता है। और इसलिए 12,400 से अधिक सभी नौजवानों को नियुक्ति पत्र जारी करेगा, हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हमारी आवश्यकता अच्छे शिक्षकों की है, और उनको नियुक्ति पत्र देकर के अगर हम उस नौजवान की ऊर्जा का उपयोग इस प्रदेश के निर्माण में लगाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम हासिल कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज के इस अवसर पर, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है जब मैं आपके चेहरे पर उस खुशी को देख रहा हूं, से अधिक आपकी संख्या है, उसकी शुरुआत आज यहां पर हो रही है। आज यहां पर 854 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन जितने भी 12,400 से अधिक सभी नौजवान उस कैटेगरी में आते हैं, इन सब में हरेक को हम लोग नियुक्ति पत्र देंगे और उन लोगों की सेवाओं का उपयोग प्रदेश के विकास में, प्रदेश के छात्रों के भविष्य को बनाने में लेंगे। और 5,500 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी हमारी प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें हम 27 मई को, क्योंकि अब न्यायालय की कोई भी उसमें बाधा नहीं रही, तो 27 मई को हम उसकी भर्ती की परीक्षा प्रारंभ करेंगे और हमारा विश्वास है कि बहुत शीघ्र हम लोग 68,500 और अतिरिक्त शिक्षक प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग के उन्नयन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कहीं कमी रह गई है उसकी पूर्ति करने में हम उनको भी प्रदेश में लेकर के आएंगे। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है, हम लोगों ने पिछले वर्ष जब बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की स्थिति को हम लोग इससे पहले देखते थे, बड़ी सोचनीय स्थिति होती थी। हम लोग कहीं जाते थे, देखते थे कि बच्चे तो स्कूल में आते हैं लेकिन शिक्षक नहीं रहते थे, क्या बीतती होगी उस बच्चे पर,
कैसा भविष्य चाहते हैं हम अपने बच्चों का, कैसा भविष्य चाहते हैं हम अपने समाज का, और कैसा भविष्य चाहते हैं हम अपने राष्ट्र का। और उसको देख करके मुझे बड़ी खिन्नता होती थी, देख करके आश्चर्य होता था। मैं एक बार मार्च का अंत अप्रैल का प्रथम सप्ताह रहा होगा, एक सांसद के रूप में गोरखपुर में निकल रहा था, कुछ क्षेत्रों में आगजनी की घटनाएं घटित हुई थी। मैं निकल रहा था, तब तक मैं देखा एक स्कूल के बाहर बच्चे वहां पर बाहर खेल रहे थे, छोटा सा तालाब था, उस तालाब में लोग खेल रहे थे पानी के साथ। ये स्कूल के अंदर में देखा था कि दो अध्यापिकाएं थी, एक अध्यापक बैठे हुए थे, पांच छह अन्य बच्चे वहां बैठे हुए थे। गाड़ी रोकने के बाद मैंने उन बच्चों को बुलाया जो वहां पर छोटा सा तालाब था उसमें खेल रहे थे। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा तुम लोग स्कूल नहीं गए? तो कोई जवाब नहीं दिए। मैंने कहा क्यों स्कूल नहीं जाते हो? जाएंगे थोड़ी दूर पर स्कूल था, सफाई था लगभग। मैं पैदल ही स्कूल में गया, मैंने वहां शिक्षकों से कहा, मैंने कभी आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर इन बच्चों को स्कूल में आने के लिए कहते कितना अच्छा होता। अप्रैल का महीना था, लेकिन मैं देख रहा था कि वहां पर भी एक महिला अध्यापक तब भी अप्रैल में भी स्वेटर ढूंढने का काम कर रही है। स्वेटर का काम तो नवंबर दिसंबर में हो सकता है, जनवरी में हो सकता है, लेकिन अप्रैल में भी स्वेटर ढूंढने का काम हो रहा था। मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कभी देखिए क्या कर रहे हैं आप, अगर इन बच्चों को स्कूल लाने के लिए आप तीन शिक्षक यहां पर हैं, गांव की प्रबंध समिति के साथ बैठ करके ग्राम प्रधान और उनके सहयोग के साथ बैठ करके योजना आप बनाए होते, स्कूल 7 बजे खुलना है तो हम 6:30 बजे ही चले जाएंगे, और 6:30 बजे चल करके केवल एक ग्राउंड गांव का लगा दें और एक एक घंटा होने के सभी बच्चे स्कूल आएंगे, या महीने में एक बार दो बार गांव के लोगों के साथ अभिभावकों के साथ बैठ जाए, कहने की हर बच्चे को स्कूल भेजना है। तो स्थिति नहीं कि कोई बच्चा स्कूल जाने से बच जाए। और इसलिए पिछले वर्ष हम लोगों ने जुलाई में स्कूल चलो अभियान प्रारंभ किया, बहुत अच्छे परिणाम है। उसका परिणाम था संख्या बढ़ी, 1,54,00,000 से अधिक बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़े, 1,54,00,000 से अधिक बच्चों के प्रवेश के साथ उन बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, उन्हें बैग दिया, उन्हें बुक्स उपलब्ध कराई गई, उनके दोनों जूते मोजे भी उपलब्ध कराए गए, स्वेटर भी उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। एक वर्ष में इतना कार्य बेसिक शिक्षा परिषद में करने के साथ साथ हम लोगों ने जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस बात की अपील की थी कि हर अधिकारी हर जनप्रतिनिधि एक एक विद्यालय गोद ले, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2,500 से अधिक विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में बेसिक शिक्षा परिषद का इंतजाम बनाने में सफलता मिली। बहुत सारे विद्यालयों को तो विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षकों ने ही अपनी मेहनत से आदर्श विद्यालय बनाया। बहुत सारे लगभग हर जनपद में कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो आज के दिन पर आदर्श विद्यालय के रूप में कार्य कर रहे हैं। कुछ विद्यालय ऐसे थे कि जिनके बारे में जानकारी थी 16-17 तक, मार्च 17 तक स्थिति थी कि कब ये बंद हो जाए, और आज उन्हीं विद्यालयों में संख्या का मैं देखता हूं, किसी में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी में 360 बच्चे पढ़ रहे हैं, और कभी कभी मैं मीडिया के माध्यम से भी देखता हूँ उन आदर्श विद्यालयों के बारे में कि कितने अच्छे ढंग से विद्यालय संचालित हो रहे हैं। सचमुच वे प्रधानाचार्य और वे अध्यापक भी धन्यवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं।
जिन्होंने वे आदर्श विद्यालय के लिए पहल अपने यहां शुरू की, लेकिन हम लोगों ने जो पहल की, 2500 से अधिक ऐसे विद्यालय स्थापित हुए पूरे प्रदेश के अंदर। जब हम लोगों ने बच्चों को जूते मोजे दिए, मैं देखता था बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो नंगे पैर विद्यालय जाते थे। मैं अक्सर जब अपने संसदीय क्षेत्र में निकलता था, मैं देखता था हम बच्चों को आते हुए जाते थे। हम लोगों ने कहा क्या ये हो सकता है कि हम बच्चों को जूता मोजा दे सके। बेसिक शिक्षा परिषद ने व्यवस्था की, हर एक बच्चे को जूते मोजे उपलब्ध करवाए गए। जूता मोजा उपलब्ध होने के बाद सर्दियों में स्वेटर वेलन दिलाने की कार्रवाई भी हुई, वो अलग विषय है। लोगों ने अपने अपने तरीके से उसकी विवेचना भी की। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जूते फट गए, स्वाभाविक रूप से जूता पहनने का तो फटेगा नहीं। लेकिन एक बार हम भी जानते थे कि बच्चे जूते पहनेंगे तो जूता जल्दी फटेगा भी, लेकिन उसको एक साल की गारंटी भी मिलनी चाहिए। हर एक जूते को एक साल की गारंटी के साथ हम लोगों ने बच्चों को जूते बैठ करके जो एक कमेटी वहां गठित करके उसके माध्यम से संचालन करना है, उस पाकिस्तान को लेकर के वह अबोध बालक है। जैसी शिक्षा और जैसा संस्कार आप लोग उन बच्चों को देंगे वो वैसे ही नागरिक बनेगा, और उस जिससे उन बच्चों को बताने की आवश्यकता, उनके भावों को बताने की आवश्यकता कि बच्चे को अगर 7 बजे विद्यालय है तो कम से कम 5:30 बजे उसका जागरण करवा दीजिए, 5 बजे जागरण करवा दीजिए, उसको तैयार करवाइए, स्नान कराइए, फिर विद्यालय में भेजने की व्यवस्था करिए। विद्यालय में आए तो विद्यालय में शिक्षक भी अगर थोड़ी रुचि ले लेंगे और बच्चों को इस बारे में अवगत करा देंगे, प्यार से समझा देंगे कि साफ सफाई से ये लाभ होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, उनको समझने में और पूरा दिनचर्या उनकी अच्छी बनी रहेगी, कितना परिवर्तन आप ला सकते हैं। मुझे लगता है आपने जितने लोग होंगे हर एक ने अपनी बेसिक शिक्षा जब अर्जित की होगी, हर एक को विद्यालय में किस प्रकार के संस्कार मिले थे, अगर आपको मिले थे तो आप फिर उन बच्चों को क्यों नहीं दे सकते। मुझे लगता है इसकी शुरुआत होनी चाहिए। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए 100 दिन की आवश्यकता नहीं, जब आवश्यकता पड़ती उसी क्षण उसका संकल्प लेकर उसको लागू कर दीजिए, और उसको लागू करने की आवश्यकता बताने की आवश्यकता है। जब जूते मोजे दिए तो कुछ बच्चों से, कुछ अभिभावकों से मैंने मुलाकात की थी। मैं गया था बुंदेलखंड में भी गया था, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जगह कुछ अभिभावकों से मैंने बात की। तो उसमें से एक अभिभावक तो बड़े भोले मन से बोला कि हमारा लड़का जो सुबह जूता पहन लेता तो फिर रात को सोने के साथ ही उसका जूता उतर पाता है। उस बेचारे को उस मालूम नहीं, अबोध है, अगर हम उसको बताएंगे नहीं कैसे होगा। हमने 2 यूनिफॉर्म इसीलिए उपलब्ध करवाने के लिए कहा कि एक यूनिफॉर्म गंदी हो जाए तो दूसरी पहन लेगा। हम अभिभावक से भी कहें कि एक जोड़ा घर में कपड़ा अलग से उसके लिए बनाने की व्यवस्था करें, जिससे जैसे घर आए स्कूल यूनिफॉर्म उतार करके रख दें, घर के कपड़ों को पहन करके फिर वो खेले कूदे, उसकी यूनिफॉर्म साफ सुथरी रहेगी। बच्चे अगर साफ सुथरे यूनिफॉर्म में, अच्छे जूतों में जब स्कूल आएंगे अच्छा लगेगा, वह भी अपने आप को किसी कॉन्वेंट या किसी पब्लिक स्कूल के तर्ज पर अपने को किसी प्रतिस्पर्धा में पाएगा, क्योंकि उस प्रकार का पाठ्यक्रम इस वर्ष से हम लोगों ने उसके सामने लागू कर दिया है, और यह भी एक स्थिति है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को भी कहा, अभी भी बेसिक शिक्षा परिषद ने बुनियादी सुविधाओं का अभाव देखा, हम लोगों ने कई जगह इस बात को देखा। अब जूते सब बच्चों को एक जैसे मिल गए, काले रंग के सबके जूते हैं, नए बच्चे जो बच्चे हैं वो पहचान भी नहीं पाते कौन सा जूता उसका है, तो आपस में लड़ते रहे हैं लड़के। हम लोगों ने कहा कि फर्नीचर लगाने की व्यवस्था करो, जैसे मुझे विधायक निधि का पैसा मिला तो मैंने विधायक निधि का सारा पैसा गोरखपुर महानगर के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में, मैंने कहा पैसे का उपयोग वहां पर बेसिक शिक्षा परिषद के जितने विद्यालय हैं उन विद्यालयों में फर्नीचर लगाने में इसका उपयोग कर दो, जिससे बच्चे भी बैठ सके फर्नीचर पर और बैठ करके
फिर अच्छी शिक्षा अर्जित करने के लिए अपने आप को भी तय कर सके कि हाँ मैं भी किसी प्रतिस्पर्धा के योग्य हूं, उसके मन में कोई हीन भावना नहीं पैदा होनी चाहिए, क्योंकि वह इस देश का नागरिक है, इस देश का भाग्यता था है। अगर उसके मन में अभी से हीन भावना पैदा होगी, कैसे हम जो सपने देख रहे हैं, जो संकल्प है, संकल्पों को पूरा कैसे कर पाएंगे। और जिससे तमाम जनप्रतिनिधियों से मैंने अपील की, मुझे प्रसन्नता है तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस मामले में कुछ भी अपनी विधायक निधि का पैसा, सांसद निधि का पैसा या अन्य जगहों से तमाम व्यापारिक संगठनों ने, उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों ने इस मामले में सहयोग करना प्रारंभ किया। और मैंने दो कारण के लिए, मैंने कहा एक बेसिक शिक्षा परिषद के हर विद्यालय में फर्नीचर के लिए सांसद जी का पहला पैसा गोरखपुर में दे दो, उसके बाद विधायक जी का पहला पैसा गोरखपुर में दो, फिर उसके बाद अन्य जनपदों में भी हम मिलवाएंगे। साथ साथ वहां पर अच्छा टॉयलेट हो, साफ सुथरा टॉयलेट हो, इसके लिए उसमें टायर्स लग जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए, सफाई के लिए हम प्रेरित कर सके। मुझे लगता है आप में जितने लोग होंगे, जितने हम लोग यहां पर हैं, अधिकतर लोगों ने कभी भी अपने विद्यालय में कभी सफाई कर्मी नहीं देखा होगा, सफाई कर्मी की नियुक्ति होती भी नहीं थी, सभी छात्र सभी शिक्षक मिलकर के सफाई के कार्य को स्वयं वहां करते थे, स्वयं संपन्न करते थे और अपना कार्य स्वयं करने में किसी प्रकार की कोई श्रम महसूस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमारे ये जो गौरव की बात होनी चाहिए कि हम स्वावलंबन का प्रतीक है, हम अपना कार्य स्वयं ही करें और हम प्रेरित करें स्वच्छता के प्रति, हर एक को करें, स्वयं भी और अपने साथ पूरे परिवार को उसके साथ जोड़ने का कार्य करें। इसलिए टॉयलेट अलग अलग बने, साफ सुथरे हो, इसकी व्यवस्था देखना, बाउंड्री वॉल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की बन सके, इसके लिए भी हम लोग धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। जहां पर बिजली नहीं, पहले तो बिजली हर विद्यालय में देने की व्यवस्था हो रही है, जहां पर नहीं वहां पर सोलर पैनल हम लोग लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे वहां पर विद्युत के संकट से भी मुक्ति मिल सके। लेकिन संकल्प तो आपका होना चाहिए कि नियमित स्कूल जाएंगे और सबसे पहला कार्य तो ये होना चाहिए कि हम जहां भी हमें सरकार भेजेगी वहां पर पूरी निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं शिक्षा जगत को देंगे, या आप में से हर एक व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए। यानी जो जिले विकास के सामान्य सूचकांक में बहुत पीछे पायदान पर हैं, बहुत पीछे हैं शिक्षा में, स्वास्थ्य में और भी अन्य जो महत्वपूर्ण बाल विकास का है, महिलाओं के यानी कुपोषण से मुक्ति का है, इन सभी उस पर आप देखेंगे तो बहुत पीछे जनपद हैं। और उनमें से 8 जनपद उत्तर प्रदेश के भी हैं। 8 जनपद सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, फिर चंदौली है, सोनभद्र है, चित्रकूट है और फतेहपुर है। ये 8 जिले हैं और मैं अपील करूंगा आप में से अधिकतर शिक्षक पहले चरण में वहां जाने की तैयारी करें, उन विद्यालयों की स्थिति को सुधार करके उस चैलेंज का मुकाबला करने को अपने आप को तैयार करें, कहें कि नहीं हम जाएंगे, हम शिक्षा के क्षेत्र में उस जनपद को अन्य सामान्य जनपदों की तुलना में आगे बढ़ाएंगे, अतिरिक्त समय देकर के वहां पर जिस जितना विद्यालय का समय है उस समय में हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जो अतिरिक्त समय बचेगा हम साक्षरता के मिशन में अन्य लोगों के बीच जाकर के इस कार्यक्रम को करेंगे। ये कार्यक्रम अगर आप कर देंगे सचमुच आप वरण हो जाएंगे, पूजनीय हो जाएंगे समाज के लिए, एक योग्य शिक्षक के रूप में आपको समाज याद करेगा, स्मरण करेगा और इस विषय उस पहल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के दिन पर हम देखते हैं उन जनपदों में शिक्षक कम, चिकित्सक कम, विकास के अन्य जो मानवीय सूचकांक है उनमें काफी पीछे में चल रहे हैं। उसको आगे करने के लिए पहले मूलभूत इकाई शिक्षा से प्रारंभ होती है और मुझे लगता है आप में से अधिकतर शिक्षक अगर उन क्षेत्रों में जाने की तैयारी करें, स्वयं अपने अनुसार मांगे ऑप्शन कि हम पहले वहां जाएंगे, उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, बेहतर परिणाम सामने आएंगे। बनाइए अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय, तैयारी करिए थोड़ा उन विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने की, अपने पुरुषार्थ का परिचय दीजिए,
अपनी प्रतिभा अपनी ऊर्जा का उपयोग करिए और अगर आप इसको कर देंगे सचमुच बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा, बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप नए हैं इसलिए आपसे उम्मीद है और इसलिए जब ये बात सामने आई थी, जब नौजवान मेरे सामने बातचीत करने के लिए आए थे, मैंने एक झटके में कहा था, वहां पर बेसिक शिक्षा मंत्री भी थी और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा भी थे, शिक्षा के निदेशक भी थे। मैंने उन लोगों से कहा कि हमारी आवश्यकता क्या, हमें शिक्षक लेने हैं, हमें योग्य शिक्षक चाहिए और योग्य शिक्षक इससे ज्यादा योग्यता क्या हो सकती जो इनके पास है, कुछ नहीं, सरकार ने इनको तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करिए और नए जारी मत करने के साथ ही इस पर कार्रवाई प्रारंभ हो, इनकी ट्रेनिंग हो, इनके कार्यक्रम पूरे हो और इनको फील्ड में भेजा जाए। ये लोग क्या है, एक तरफ हमारे पास योग्य लोग हैं, दूसरी तरफ शिक्षक नहीं, हम योग्यों को समय नहीं दे रहे हैं, उनको अवसर नहीं दे रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। और कम से कम हमारे आने के बाद तो हम किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे और भाइयों बहनों में इसी बात को लेकर क्या करती है, ये भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होगी, लेकिन आपको भी इस मामले में अपना योगदान देना होगा, संकीर्णताओं से ऊपर उठना होगा, एक आदर्श शिक्षक के रूप में उस भूमिका के साथ में कि आप इस राष्ट्र के योग्य योजक हैं और उस योग्य योजक के रूप में, योग्य निर्माता के रूप में अपनी इस भूमिका का निर्माण करने के लिए जब आप आ गए, आगे बढ़ गए, सचमुच शिक्षा के प्रति लोगों के मन में पिछले 20-25 वर्षों के दौरान जो धारणा पैदा हुई है उस धारणा को मिटा सकते हैं, एक नई धारणा अपना बहुत पवित्र धारणा लोगों के मन में पैदा करने में सफल हो सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि 12,460 से अधिक जिन शिक्षकों की आज नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, पहले चरण में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो पहल प्रारंभ हुई है, आप सभी लोग इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करेंगे, उस स्थिति में मैं आप सबका आह्वान इस अवसर पर करूंगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे प्रदेश के नौजवानों के लिए वास्तव में भटक रहा, न्यायिका का फैसला बहुत स्पष्ट नहीं था, यानी स्थिति अगर कुछ और होती मैं यही सोच रहा था कि अगर हम लोग नहीं होते कोई और होता तो इनके ऊपर तलवार हमेशा लटकती रहती, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, अगर हमें योग्य शिक्षक चाहिए, हमें रखने ही हैं, तो ये 12,400 की गिनती क्यों नहीं हो सकती, और सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करवा करके मुझे लगता है एक महीने के अंदर सारी कार्रवाई पूरी हुई है, आज से एक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मैं इस अवसर पर आप सबको, आज मंगलवार भी है तो आप सबके मंगल में भरोसे की कामना करता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र को एक बार पुनः पूरे देश के अंदर स्थापित करने में, क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी प्रदेश रहा है। मुझे याद है आज से 20-25 साल पहले हम लोग जब नॉर्थ ईस्ट में जाते थे, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, मेघालय में, तो मैं जब वहां जाता था, वहां देखता था, तो उत्तर प्रदेश के शिक्षक वहां भी रहते थे, हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश के शिक्षक, छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश के शिक्षक, 25 वर्षों में लगातार गिरावट आई है। मैं एक बार पुनः बेसिक शिक्षा परिषद को आज के अवसर पर हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के 12,400 से अधिक नौजवानों की भविष्य को एक नई दिशा देने में अपना योगदान दिया है और इन सभी नौजवानों को जो यहां पर आज अपना नियुक्ति पत्र लेने जा रहे हैं, इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि सब शिक्षा जगत में एक नया परिवर्तन लाने में सफल होंगे, छात्रों को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत संस्कारयुक्त शिक्षा प्रदान करने और प्रदेश के साक्षरता के प्रतिशत को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। और मैं विश्वास व्यक्त करूंगा 12,400 से अधिक नौजवान शिक्षकों के साथ ही 8,000
सौ से अधिक नए शिक्षकों की नियुक्ति हम इस वर्ष के अंत तक करने में सफल हो जाएंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। उनकी महोदय के द्वारा उनकी कल कमलों से नियुक्ति प्राप्त का ये आपका है ये का नाम है उमेश कुमार सिंह फोन नंबर पर प्रतिभा सिंह बहराइच फिफ्थ नंबर पर खुशबू सिंह बहराइच सिक्स नंबर पर हिमांशी जायसवाल बहराइच आंदोलन नहीं करना पढ़ाई करना ठीक है। उमेश कुमार सिंह देवरिया कुमारी सोना देवरिया नीता सिंह देवरिया नील नीता देवरिया दीपक त्रिपाठी आंदोलन नहीं करना दीपक त्रिपाठी बस्ती जया सिंह बस्ती रुचि गुप्ता बस्ती उपासना पांडे कुशीनगर संजय शुक्ला कुशीनगर ब्रजेश राय कुशीनगर कीर्ति दुबे महाराजगंज नितिन ओझा महाराजगंज ब्रजेश कुमार महाराजगंज प्रशांत सिंह अम्बेडकर नगर अलका सिंह अम्बेडकर नगर आफरी अम्बेडकर नगर मिथिलेश पांडे सुल्तानपुर त्रिवेंद्र सिंह सुल्तानपुर एवं अंतिम नाम अवधराज सुल्तानपुर मैं यह शपथ लेता हूँ कि विद्यालय के बाहर भी सदैव शिक्षा और शपथ लेता हूँ कि हर बच्चे को शिक्षित करूंगा और उसको समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करूंगा। मैं यह शपथ लेता हूँ कि समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी प्रहार करते हुए उनको समाज से दूर करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि नन्हे मुन्ने बच्चों का विषय में बनाऊंगा कि आगे चलकर देश को एक उच्च शिखर पर पहुंचाए। भारत माता की जय। अब आप सभी जो आपके विद्यालय परिसर को बल्कि आप जिस घर में रहते हैं उसके आसपास मोहल्ले में उसके आसपास की परिवेश को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने में आपका योगदान उसमें मिलना चाहिए। यह संकल्प आप सब मेरे साथ दोहराएंगे। महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और
उसके लिए समय दूंगा, हर वंश 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी कहूंगा, न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मैं यह मानता हूँ उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते और नहीं किसी को करने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ दे रहा हूँ वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे में इसके लिए प्रयास करूंगा। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरह बढ़ाया गया एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री लग रहा है पाके दिया थैंक यू। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से हाथ नीचे कर दो यार। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से आज 12,460 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास बेसिक शिक्षा के 1,69,000 से अधिक विद्यालय हैं। उन विद्यालयों में बहुत सारी जगह शिक्षकों की कमी थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद, शिक्षा मित्रों के बारे में दिए गए फैसले के बाद शिक्षकों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही थी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए 12,400 से अधिक इन शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया आज प्रारंभ हुई है। मुझे लगता है बेसिक शिक्षा में योग्यतम शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की पहली खेप मैं उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। 68,500 अन्य शिक्षकों के लिए 27 मई को भर्ती की परीक्षा संपन्न होगी और यथाशीघ्र हम उसको भी देंगे। शिक्षा किसी भी समाज का आधार है। एक योग्य शिक्षक एक राष्ट्र का एक योग्य योजक होता है। मुझे लगता है इस दिश से योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पूरी पारदर्शी तरीके से करने की व्यवस्था जो प्रारंभ हुई है इसके बाद सार्थक परिणाम आएंगे और प्रदेश के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ इस देश को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के अंतिम दिन कूड़ाघाट स्थित निर्माणाधीन एम्स कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। सीएम मंगलवार को लगभग 2 बजे कूड़ाघाट स्थित एम्स निर्माण परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने एम्स निर्माण को लेकर चल रहे कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने हाइट्स कंपनी के अधिकारियों से डिजाइन एवं लेआउट के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की और 3D नक्शे के माध्यम से एम्स के स्वरूप की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सीएम ने एम्स स्थल पर ध्वज हो रहे पुराने बिल्डिंग के मलबे को भी शीघ्रता से हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने हाइट्स कंपनी के अधिकारियों से एम्स के निर्माण कार्य को तेजी से कर निर्माण कार्य पूर्ण कर किए जाने की बात कही। सीएम से संबंधित अधिकारियों को मार्च 2019 तक ओपीडी एवं आयुष विंग का निर्माण पूरा कर किए जाने का निर्देश भी दिया।
निरीक्षण के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री फतेह बहादुर सिंह, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, आईजी नीलाब्जा चौधरी, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर सहित कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एम्स लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है जिसे 2 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। फ्रंट में ये ओपीडी ब्लॉक रहेगा जो जिसमें टू स्टोरेज रहेगा, इसके पीछे में दूसरा फोर स्टोरेज का हॉस्पिटल ब्लॉक रहना चाहिए। हमने हॉस्पिटल में एंट्री के लिए लेबर लेन्स का प्रोग्राम किया है ताकि फूड ट्रैफिक सीधा निकल जाए और जनरल डेडिकेटेड हॉस्पिटल में एंटर करने में एक लेन के थ्रू में एक क्यूइंग स्पेस बना है। इसके बियॉन्ड वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में हमने 40 ब्लॉक का प्रोविजन किया है, इसके दक्षिण की तरफ लिए 500 सीटर कैपेसिटी है और इसके साथ नर्सिंग कॉलेज प्रोवाइडेड है जिसमें 100 एडमिशन और 60 एडमिशन नर्सिंग के कैटर किए जाते हैं। इसके फर्दर बेस्ट ईस्ट की तरफ हम आते हैं तो ये हमारा पूरा हॉस्टल चल रहा है, ये नर्सिंग के लिए हमने हॉस्टल एलोकेट किया है। ये यूजी गर्ल्स का हॉस्टल है, ये डाइनिंग ब्लॉक है जिसमें बहुत 600 लोग एक टाइम पे, ये यूजी बॉयज़ हॉस्टल का ब्लॉक है, ये पूरा पीजी हॉस्टल ब्लॉक है जिसमें मैरिड स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स और बॉयज़ स्टूडेंट्स के सिंगल रूम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक नाइट शेल्टर का प्रोविजन है, रहने के लिए प्रोविजन किया है। ये वाला जो हम नाइट शेल्टर है ये अभी से 150 लोगों का कैपेसिटी है, सही दूर रहना शेल्टर है ये पूरा रेजिडेंशियल जोन है, यहाँ पे हमने टाइप 2 एंड 3 अपार्टमेंट्स का प्रबंधन किया है, प्लस 8 स्टोरेज का सपोर्ट सब अच्छा है। ये क्या ग्रेट सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन अभी ऑन कर रहे हैं सर, एक छोटा सा क्या है वो वाला दिखा दिया ना, 9 मीटर का रोड सर, अभी इसको सर 50 मीटर सेंटर लाइन को तोड़ता है उससे हमें अभी क्लियरेंस मिल रहा है, वेस्ट की तरफ में 30 मीटर तक मिल रहा है और दक्षिण की तरफ में भी 30 मीटर तक, अभी आज पर मास्टर प्लान जो मास्टर प्लान में है आप सेंटर लाइन से 50 मीटर पे लेके आते जी सर, ये वाली लाइन उसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा, ये सर शिफ्ट होंगे, ये कहाँ शिफ्ट करेंगे इनको सर, इसको कर लेंगे कोई दिक्कत तो नहीं ना, आप उसके अनुसार उसको कर लीजिए। और इधर क्या है नहीं उससे कोई मतलब नहीं, वो तो एक प्लान है उसके अनुसार लोग अपना चाहिए, आप ये यहाँ से 30 मीटर दे रहे हैं, 30 मीटर ठीक है, उसके अनुसार इतना करके अपना कार्य कर रहा हूँ। ये बाउंड्री साउथ बन रही है, बन चुकी है, हमारी बन चुकी है। इसके पीछे बाउंड्री वॉल से कितनी आगे आगे बढ़ा के जाना है और
उसके भी आगे नेक्स्ट फेज में सर हम हॉस्पिटल का 300 बेड का कैपेसिटी सेटअप करेंगे, प्लस हमारा अपार्टमेंट ब्लॉक टाइप 2 भी करेंगे और टाइप 4 का एक अपार्टमेंट ब्लॉक इस फेज में ऑपरेशन करेंगे। हमारा फोर्थ फेज होगा सर, जिसमें मार्ट के लॉन्ग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नाइट शेल्टर, ऑडिटोरियम ब्लॉक, यहाँ पे 420 बेड का हॉस्पिटल और एडिशनल होगा। टोटल 720 बेड का हॉस्पिटल हमारा इस फेज में ऑपरेशन होगा। फ्यूचर में सर ये 1800 अपार्टमेंट्स क्लोजिंग फॉर हैं। हॉस्पिटल का नया एक्सपेंशन होगा और मेडिकल कॉलेज का भी एक्सपेंशन होगा। ये हमारा फ्यूचर है सर, हॉस्पिटल में किस तरीके से होगा सर, से चार्जिंग की ये हमारा फ्रंट व्यू है सर हॉस्पिटल मेन कहाँ से गोरखपुर बोर्ड से हमारा साइड व्यू है जो हम ग्रीन बेल्ट है सेंट्रल कोर्टयार्ड को हम एक स्टेप आउट स्पेस इंकरेज करना चाहते हैं ताकि पेशेंट यहाँ पे आके घंटे में रूम स्टे कर पाए। तो मैं आई हूँ इसका साइड में जैसे मेडिकल कॉलेज में सर मेयर प्रोविजन्स कर रहे हैं। नीचे हमारे जो फर्स्ट ईयर के डिपार्टमेंट है एनाटॉमी बायोलॉजी और नीचे के दो फ्लोर और सेकेंड जो फ्लोर होता है उसके डिपार्टमेंट का फर्स्ट फ्लोर टॉप फ्लोर से नर्सिंग कॉलेज का ये हमारा मेडिकल कॉलेज का फ्रंट प्रोस्पेक्ट है। बात करते हैं उसको देखते हैं कन्फर्मेंट करते हैं उनकी ना करके आपके एम्स गोरखपुर का शिलान्यास 22 जुलाई 2016 को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। पिछली सरकारों ने इसमें अनेक बाधाएं खड़ी की थी, जमीन का क्लियरेंस नहीं किया था, तमाम अन्य बाधाएं थी। हमारी सरकार आने के बाद इन सभी को हम लोग पूरा करते हुए आज यहां पर गन्ना शोध संस्थान से जुड़े हुए जितने भवन थे उन सबको यहाँ से हटाने की व्यवस्था, उनको दूसरी जगह रिप्लेस करने की व्यवस्था करने के साथ यहाँ पर एम्स के लिए बाउंड्री वाल की कार्रवाई पूरी हो चुकी है और बाउंड्री के साथ साथ हम लोगों ने अब यहाँ पर ओपीडी ब्लॉक निर्माण के लिए और आयुष भवन के लिए पहले चरण में कार्य प्रारंभ हो गया है। मुझे लगता है कि
मार्च 2019 तक यहाँ पर एम्स का ओपीडी, आयुष डायरेक्टर का बंगला और गेस्ट हाउस ये सब बन करके यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का है, साथ साथ हॉस्पिटल का है, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर उसके साथ ही बननी प्रारंभ होंगी। हमारा प्रयास होगा कि आगामी 2 वर्ष के दौरान एम्स गोरखपुर फुल फ्लेज रूप में यहाँ पे काम करना प्रारंभ कर लेगा। जितनी भी जुड़ी हुई समस्याएं थी एम्स के निर्माण के निर्माण में, जो भी बाधाएं थी उन सभी बाधाओं को पूरा किया जा चुका है। कार्यदायी संस्था इस कार्य को द्रुत गति से आगे बढ़ा करके यहाँ पर कार्य प्रारंभ कर रही है और मुझे विश्वास है कि एक समय सीमा के अंदर गोरखपुर एम्स, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की व्यापक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसका निर्माण करके पूर्वी उत्तर प्रदेश को बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के अंतिम दिन नंदानगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास बन रहे अंडरपास के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपस्थित रेलवे अधिकारियों द्वारा नंदानगर में बनाए जा रहे अंडरपास के डिजाइन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अंडरपास का कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण होना चाहिए, जिससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिल सके। निरीक्षण के दौरान फतेह बहादुर सिंह, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, आईजी नीलाब्जा चौधरी, मंडलायुक्त अनिल कुमार, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर सहित कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नंदानगर रेलवे क्रॉसिंग पर लोगों के आवागमन के लिए काफी समस्या उत्पन्न हो रही थी। लोगों की समस्याओं को देखते हुए यहां अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ से ट्रेन जाएगा जो नाला है, इस नाले के पैदल एक आगे जाकर के फिर एक ट्रेन आगे बढ़ जाएगा। सर एम्स के दोनों तरफ से जाएगा सर, एक पूरा एरिया ये जाता है और एम्स के सर ईस्ट की तरफ करवा सर लगभग 781 लाख का प्रोजेक्ट है दोनों नाल करवा। ये पेंट वगैरह हो गया, 6 से 7 महीने के बीच में कंप्लीट हो जाएगा करवा बन जाएगा। इसकी कास्टिंग हम लोग तैयार कर लिया, शुरू कर रहे हैं, तो मई जून जुलाई तक में ये कास्टिंग हम लोग पूरा कंप्लीट करने का प्लानिंग है। तो उसके बाद में लास्ट जो कास्टिंग हो जाती है करीब 1 महीने और उसको टूरिंग के लिए, तो अगस्त एंड तक तैयार हो जाएंगे। लेकिन मानसून पीरियड में ये इंसर्ट करने का काम नहीं कर पाएंगे, मानसून खत्म डिपेंड्स जो अप्रोच जैसे ही रेडी कर लेंगे तो फिर वो हमारे हमारा काम खत्म हो जाएगा। अक्टूबर में और प्रारंभ काम प्रारंभ कर सकते हैं, हमारा एग्रीमेंट बना हुआ हो जाए सर, हम लोग दिसंबर में खत्म कर सकते हैं। तो सर अभी हमारे ही है फोर व्हीलर ट्रॉली ट्रैक्टर सब 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 जाएगा, 8.5 फीट हाइट है, 8.5 फीट अंदर से क्लियर हाइट 8.5 फीट ठीक है। और ये एक उसमें वो रहेगा, दो तरफ आप दे देंगे, एक साइड को वही से जाएगा सर, तो ये भी जब ये कर लेंगे तब ये हट जाएगा, तभी यहाँ पर मैं उसको दिखवा लेता हूँ, यहाँ तक आप शुरू कराइए नहीं तो दिसंबर में आप कह नहीं पाएंगे। एक इधर हल्के वाहनों के दोनों जाएगा, दोनों तरफ जाएगा, दोनों तरफ दिसंबर में आपको देना है। और हाल में यहाँ पर आज हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, यह नंदानगर का रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ पे घंटों जाम लगता है। हमने प्रदेश सरकार की तरफ से यहाँ पे अंडरपास के लिए पैसा स्वीकृत किया, इसके लिए पीडब्ल्यूडी और रेलवे मिलकर के इस कार्य को यहाँ संपन्न कर रहे हैं और लोकल स्तर पर जीडीए भी उनको सपोर्ट कर रहा है।
इन्हीं सब का निरीक्षण करने का प्रयास है कि दिसंबर 2018 तक ये कार्य भी कम्प्लीट हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे और लखनऊ रवाना होने के कुछ देर पहले गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कटिबद्ध है। हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड की परीक्षाओं में माफिया राज को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उन्होंने पहले भी कहा था, जिस पर उनकी सरकार ने सफलतापूर्वक कार्य किया है। सीएम ने कहा कि इस बार हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा परिणाम काफी अच्छा आया है, जिससे पता चलता है कि प्रदेश के युवाओं में शिक्षा के प्रति कितना जज्बा है। उन्होंने कहा कि इस पाठ्यक्रम को कैसे सरल और सुबोध बनाया जाए, इसके लिए कार्य चल रहा है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 20,000 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर कार्य चल रहा है। तब तक रिटायर शिक्षकों को मानदेय पर कार्य किए जाने की पहल जारी है। उन्होंने कहा, शुभ लक्षण है। हम लोगों ने तब भी कहा था कि हम प्रदेश के अंदर किसी प्रकार के माफिया राज को समाप्त करेंगे, चाहे वह भू माफिया हो, संगठित अपराध का माफिया हो या शिक्षा माफिया, इन सब को हम लोग प्रदेश से हटाएंगे। इनको प्रदेश में किसी प्रकार की अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के दोनों परिणाम एक साथ आए हैं। हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 75% से अधिक और इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम 72% से अधिक, इस बात को प्रमाणित करता है कि हमारे छात्रों में जज्बा है, उनमें प्रतिभा है, उनमें ऊर्जा है। आवश्यकता एक दिशा देने की थी। प्रदेश सरकार ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के इसको एक नई दिशा देने का कार्य किया है। अब इस पाठ्यक्रम को एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के योग्य कैसे बनाया जा सके, इसको सरल और सुबोध कैसे और बनाया जा सकता हो, जिससे उत्तर प्रदेश का नौजवान भी किसी भी अखिल भारतीय परीक्षा के लिए अपने आप को हर समय हमेशा तैयार मान सके, इस दिशा में व्यापक सुधार हो रहे हैं। NCERT के पाठ्यक्रम को यहाँ पर अपनाने की कार्रवाई हो रही है। जो शिक्षक पहली बार हो रहा है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए जितने भी हमारे गवर्नमेंट के एडेड विद्यालय हैं, उन सब में साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के शिक्षक अनिवार्य रूप से हम लोग दे रहे हैं, जिससे बच्चों का उन्नयन हो सके। जब तक हमारी 20,000 माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन जब तक नए शिक्षकों की नियुक्ति होती है, तब तक हर विद्यालय को इस बात के लिए कहा गया है कि वे लोग अपने यहाँ जो योग्य शिक्षक रिटायर्ड हो चुके हैं उनको रख सकते हैं, उनको मानदेय के आधार पर रख सकते हैं, मानदेय प्रदेश सरकार देगी। लेकिन ये नियुक्ति तभी तक होगी जब तक कि नए शिक्षक आते हैं। नए शिक्षकों के आने के बाद नए शिक्षक फिर अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा में 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो चुकी है। मानदेय के आधार पर जो शिक्षक इस दौरान रिटायर्ड शिक्षक पढ़ाएंगे, उनको हैंडसम मानदेय भी हम लोग। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी और कांग्रेस का सफाया, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस का सफाया एक बार पुनः तय है कर्नाटक में। साइबर से संबंधित अपराध के संबंध में कार्यशाला का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया, जिसमें साइबर एक्सपर्ट रक्षित टंडन द्वारा पुलिस कर्मियों व्यापारियों को साइबर क्राइम की जानकारी दी गई। टंडन ने बताया कि सोशल मीडिया और इंटरनेट से साइबर क्राइम में इजाफा हुआ है, जिसको लेकर सरकार काफी गंभीर है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस विभाग को सतर्क रहना होगा। कार्यशाला में SP सिटी विनय कुमार सिंह, SP नॉर्थ रोहिन सिंह सहवान, SP क्राइम आलोक वर्मा, CO क्राइम प्रवीण कुमार सिंह सहित मीडिया सेल, क्राइम ब्रांच, साइबर सेल से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी गण मौजूद रहे। नमस्ते, मेरा नाम रक्षित है, रक्षित टंडन। मैं 18 साल से 2008 फरवरी में उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे पहला साइबर सेल रुका नहीं, फिर हमने 2009 में मुरादाबाद जाना शुरू किया अकेडमी, और वहाँ पे मैं प्रशिक्षण देता था अपने ऑफिसर्स को सारे इंडिया में, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक। फिर गृह मंत्रालय ने मुझे अपना फैकल्टी बना लिया। 18 साल का तजुर्बा है साहब, और 22 लाख बच्चों से बात करी है और यूरोप सरकार ने। तो आई वाज अपॉइंटेड एज अ नॉन यूरोपियन एक्सपर्ट टू यूरोपियन कमीशन। मेरा मेन हार्ट को है पुलिस को ट्रेन करना। जो हम निकाला करते थे CDR में, देखते थे कि भाई फोन की क्या लोकेशन है, किससे बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो मामला इसलिए खत्म हो गया कि सारा काम अब GPRS पे आ गया।
मोबाइल डेटा देते हैं इंटरनेट, हम पर डिटेल लेकर सुबह से रात तक अपने फोन पे तुमने कौन कौन सी वेबसाइट किस लोकेशन से खोली और कहां गए, ये सारी जानकारी IPDR में रखी जाती है। मुंबई पुलिस ने हमें साइबर गुरु का स्टेटस दिया था जब उनके लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्राइम में मदद करी थी, तो ये मेरी प्रोफाइल है साहब, ये बताने की जरूरत नहीं है, हर 10 मिनट में एक साइबर क्राइम घटित हो रहा है। 2016 के आंकड़ों में NCERT में UC नंबर 1 पे था। सॉरी, साइबर क्राइम का मतलब क्या हो गया, IT एक्ट की विवेचना, और ITR पे क्या क्या आ गया, हमारे यहाँ सिर्फ 2 अपराध हो रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं चले जाओ, मैं हर साइबर सेल से छोटे शहर से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है हमारे यहाँ, सोशल मीडिया और बैंक और ATM फ्रॉड, बस तीसरी कोई खबर नहीं सुनोगे आप, किसी की प्रोफाइल खराब करके डाल दी, किसी के बारे में कुछ गलत लिख दिया, गलत अफवाहें फैला दी, अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले आगरा में इंटरनेट बंद करना पड़ा, हमें पाठक साहब ने अंडर 144 कमिश्नर से आदेश करा के इंटरनेट सेवाएं बंद कराई, कब, जब पहले दंगल हो जाता साहब, क्यों, वो इतना गलत सा वीडियो, उल्टे सीधे भयानक से वो धर्मों वाले जो होते धर्म और भगवान वाले खराब कर करके फॉरवर्ड किए जा रहे थे, उससे क्या लग रही थी, आग लग रही थी, नहीं समझा, तो हमें इंटरनेट बंद करना पड़ा, तो और बैंक और ATM फ्रॉड, और वो कहीं रुक नहीं रहे, मतलब इतनी जागरूकता के बावजूद भी आज लोग फोन पे अपना OTP बता देते, अनजान आदमी के हाथ में कार्ड दे देते और ईमेल पे धंधा करते हैं बिजनेस, और उनकी ईमेल हैक हो चुकी होती है, अभी उत्तर प्रदेश में व्यापारी की ईमेल, एक्सपोर्टर है बहुत बड़ा, उसने $60,000 की पेमेंट मांगी थी अपने बायर को, सिंपल मेल करी थी, उसकी मेल हैक हो गई, हैक करके उसके बायर को मेल में ये लिखा गया कि मेरा खाता बदल गया है, मेरा खाता अब SBI में नहीं लंदन के बार्कले बैंक में है, कृपया मेरे $60,000 की पेमेंट कहाँ दे दो, लंदन दे दो, और ईमेल आईडी का लफ्ज बदल दिया, मेरी आईडी थी rakshittandon.com, हैकर ने बना दिया rakshittandon.com, एक बार अपने साथ विदेश में, अब ये व्यापारी जो एक्सपोर्टर है ये मेरे यहाँ मुकदमा दर्ज कर रहा है, मेरी पुलिस के लिए चुनौती क्या है, लंदन कौन जाएगा विवेचना करने, आप समझिए पैसा तो लंदन के विदेशी खाते में गया है, तो ये ATM फ्रॉड पुलिस के लिए साइबर, और क्योंकि साहब आज नॉर्मल अपराध भी तुम नहीं खोल सकते इसके बिना, किडनैपिंग में क्या हो रहा है, इंटरनेट से कॉल आ रही है साहब, कैसे 3 डिजिट के नंबर से कॉल आ रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में आपने केस सुना होगा बड़ा मशहूर हुआ था, DGP साहब के नंबर से इंस्पेक्टर पे कॉल आई, अभी सुना था याद है, मतलब मैं आपको इनके नंबर से अभी कॉल कर सकता हूँ बिना इनका फोन छुए, आपकी CDR में इनका नंबर नहीं दिखेगा और इनकी CDR में आपका नंबर दिखेगा, इसे VOIP कहते हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक छोटी सी टेक्निक है मोबाइल के ऊपर उपलब्ध है, जिसकी मदद से मैं किसी के भी नंबर से किसी को भी कॉल कर सकता हूँ, और ये अपराधी इसका फायदा उठा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे लिए मोबाइल नंबर ट्रेस करना इजी है, पुलिस के लिए CDR निकाल लो, लोकेशन ले लो, लेकिन इंटरनेट से अगर एक कॉल बनाई जाए जिसमें 3 डिजिट या 16 डिजिट के नंबर दिखाए जाए तो हमारे लिए क्या है, वो चैलेंज है, क्या है, चैलेंज है, तो अपराधी घटनाएं ये भरी है, और भरने के साथ साथ इसमें ये देखा गया है कि जो करने वालों का स्तर है वो बहुत यंग लोग कर रहे हैं साइबर अपराध, WWW आता है वो हैकिंग क्या करेगा, और आजकल छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, हैकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लखनऊ में 22 बैंक अकाउंट हैक हुए थे, 18 लाख की ऑनलाइन शॉपिंग की, जिसको पता बाजी के साथ होगी, देखिए उनका भी खबर पड़ी है, साइबर सेल लखनऊ पकड़ के आया था, बेचारे सीधे सरे शरीफ अपना कार्ड डालते थे, उनके कार्ड की क्या बन जाती थी, फोटोकॉपी, क्लोन बन जाता था, और शिकायत करता क्या कहता था कि साहब मैं गोरखपुर में सो रहा हूँ, दिल्ली के ATM से पैसे निकल गया था, मैं तो दिल्ली सफर में नहीं गया, और मेरा कार्ड गए मेरे बटुए में, जैसे क्या कहते हैं क्लोनिंग, ATM हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड हुआ, ये प्लास्टिक की फोटोकॉपी बना लेते थे अपराधी, ये अपराध बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया का तो खैर मिसिंग नहीं बहुत ज्यादा, अश्लील तस्वीरों का आदान प्रदान कर रहे हैं, ये बच्चों का नया शौक बन गया है, कोई एक दिन नहीं आता है जिस दिन कंप्लेंट ना आती हो कि साहब कोई मेरी पर्सनल तस्वीरें लीक कर रहा है, कौन सी तस्वीरें, और ऑब्सिनिटी पोर्नोग्राफी हमारे देश में अपराध भी है, IT एक्ट में भी लिखा हुआ है, और बच्चे मानते नहीं है और वो शिकार हो जाते हैं साहब, पहले तो बॉयफ्रेंड से उन्हें प्यार हो जाता है, उनको फोटो शोटो भेज देते हैं, और फिर जब वो ब्रेकअप होता है या शादी टूटती है तो फिर ये सारी तस्वीरें कहाँ आने लगती है, नेट पे जाने लगती है, और हमारे यहाँ क्या बन जाता है, आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है, लड़की या लड़की वाले आके हमारे यहाँ कंप्लेन कराते हैं या लड़का कराता है कि साहब कोई मुझे बदनाम कर रहा है, तो ये 2-3 केसेस हैं जो मेजर हमारे यहाँ रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन आज की तारीख में सारी कंपनियां
फेसबुक लो, गूगल लो, और तुम्हारा ये क्या होता है इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब हमारे साथ, हमारी पुलिस के साथ एक साझगांठ है उनकी, अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी, वो हमारी मदद करते हैं और हमें उस कल्प्रिट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम जैसे अभी एक केस करें कि भाई ये हमारी कंप्लेंट है, फलानी किसी ने नकली आईडी बना के हमको गाली दी है या गलत गलत डाला है, तो उसे ट्रेस करना कोई बहुत चैलेंजिंग काम नहीं रह गया है। सिर्फ दिक्कत क्या है कि हमें उससे कोऑर्डिनेशन बनाना है, पहली चीज। पकड़ना आसान है, प्रूफ करना कोर्ट में, उसके लिए दो चीजें बड़ी जरूरी है आज हमारी पुलिस को सीखना। एक सीजर, सीजर मतलब जो हम बरामदगी करेंगे, जब हम मुजरिम को हमने ट्रेस करा, कैसे ट्रेस करा, मैंने फेसबुक को लीगल चिट्ठी भेजी, मैंने भाई ये नकली प्रोफाइल बनाई है किसी ने, उन्होंने कहां पहुंचा दिया तुम्हें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, कहां पहुंचाया, इस फलाने जन आदमी आईटी एक्ट में सेक्शन 79A के मुताबिक 3 अधिकृत लैब्स हैं इंडिया में, पूरे भारत में, एक गुजरात फोरेंसिक यूनिवर्सिटी, सॉरी गुजरात फोरेंसिक लैब गांधीनगर, दूसरी सेंट्रल फोरेंसिक लेबोरेटरी हैदराबाद, और तीसरी फ्रॉड फोरेंसिक यूनिट दिल्ली। मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिसर द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कलेक्ट्रेट स्थित कोषागार सभागार में किया गया। इस अवसर पर परिषद के सदस्यों ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री अश्विनी कुमार, रमेश कुमार, सुरेश कुमार, जनार्दन जायसवाल, जयप्रकाश गुप्ता, कृष्ण मोहन सहित परिषद के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिषद के महामंत्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने कहा, मई दिवस 1 तारीख को लेबर दिवस के रूप में मनाया जाता है, मजदूरों के दिवस के रूप में, और दूसरे जो है 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जन्म शती समारोह मनाया जा रहा है आदरणीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा के। कर्मचारी के लिए इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। मृतक सेवा भर्ती सेवा नियमावली इनके समय में 1974 में जारी की गई। इनका मान इतना था कि 4 मार्च को इन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके तुरंत 5 मार्च को 74 को पुनः जो है इनको इंदिरा गांधी जी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इमरजेंसी जब 75 में लागू हुई तो फिर उन्होंने कांग्रेस से मान मर्यादा को अपने रखते हुए कांग्रेस से इन्होंने नाता तोड़ दिया। आज हम सभी लोग कर्मचारी भाई इनके इसी सम्मान को देने के लिए आए हैं। सम्मान तो दे नहीं सकते, उनकी तुलना तो कर नहीं सकते, लेकिन कर्मचारी हित में इनके द्वारा किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए जो भी श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं वो इनके लिए, हमारे लिए तो बहुत थोड़ा है और इनके लिए भी थोड़ा ही होगा। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले अब तक की हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक स्कूलों के 854 सहायक अध्यापकों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर दे नौनिहालों को शिक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के अंतिम दिन कूड़ाघाट स्थित निर्माणाधीन एम्स कार्यों की प्रगति का किया निरीक्षण, कहा 2 साल में लोगों को मिलेगा एम्स में इलाज का पूरा लाभ। लखनऊ रवाना होने से पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने नन्ना नगर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे अंडरपास के एक निर्माण कार्य का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का दिया निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है कटिबद्ध, प्रदेश में 20,000 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है जारी। साइबर अपराध पर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला, पुलिस कर्मियों को दी गई साइबर क्राइम रोकने की जानकारी। मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिसर ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि। शराब से हुई मौत तो दोषी को दी जाएगी फांसी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नियम बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य। गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर।
गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार बदली तो स्कूलों के हालात भी बदले हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर में महिला की हुई मौत। कार्यवाहक मुख्य अभियंता ने संभाला कार्यभार, विद्युत कर्मचारियों ने किया स्वागत। मजदूर दिवस पर विभिन्न संगठनों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। दुर्घटनाओं से बचने के लिए विद्यालय में बच्चों को यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के बारे में किया जा रहा है जागरूक। और मजदूरों को जागरूक करने के लिए मजदूर दिवस के दिन मजदूर यूनियन के संगठनों ने निकाली पद यात्रा। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों के अगले क्रम में। गत दिनों उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने आबकारी अधिनियम में कुछ अहम परिवर्तन करते हुए नई धाराओं को जोड़कर अब ऐसा प्रावधान किया है कि अगर शराब पीने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। इस संबंध में पेश है गोरखपुर न्यूज की विशेष रिपोर्ट। प्रदेश सरकार ने लगातार शराब से हो रही मौत को मात देने के लिए अब एक अहम फैसला करते हुए इस पर रोक लगाने के लिए बहुत ही सख्त नियम का प्रावधान किया है। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट में निर्णय पारित किया है कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी शराब से मौत होती है तो संबंधित व्यक्ति को सजा के तौर पर दी जाएगी सजाए मौत। जी हाँ, सही सुना आपने, अब शराब से मरने वालों को बतौर इंसाफ के तौर पर उनके दोषियों को मिलेगा कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा। योगी सरकार ने 1910 के आबकारी नियमों में दर्जनों फेरबदल करते हुए कई धाराओं को जोड़ा है और कई को निकाल भी दिया है। इसी के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति शराब पीने से स्थायी तौर पर विकलांग हो जाता है तो दोषी व्यक्ति को यानी शराब बेचने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास या 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा और अगर व्यक्ति की मौत हो गई तो उसका फांसी पर चढ़ना तो तय है। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह के कड़े कानून हैं और यहीं पर दोषी व्यक्ति को सजाए मौत का फरमान भी सुनाने का कड़ा फैसला लिया गया है। वैसे तो 29 राज्यों में से केरला, गुजरात और बिहार में सरकार ने शराबबंदी की है, लेकिन भारत में इकलौता यूपी ही एक ऐसा राज्य होगा जहां पर शराब से हुई मौत पर दोषी व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। जब इस बारे में गोरखपुर न्यूज ने आबकारी विभाग के एसपी राव से बात की तो इसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा, क्या अधिनियम में कुछ चेंजेस आए हैं, क्या हुआ है आबकारी अधिनियम में? अधिनियम में काफी चेंजेस किए गए हैं और उसको बहुत ही सख्त बनाया गया है। विशेष करके जहरीली शराब से मौतों के नाम पे बहुत सारे लोग कच्ची शराब में मिथाइल अल्कोहल मिला के पिलाते हैं, इनसे निपटने के लिए बहुत ही सख्त कानून बनाया गया है। अब ऐसा कृत्य करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको फांसी की सजा हो सकती है। ये क्या सभी तरह की शराबों पे नियम लागू होगा? हाँ सर, जहाँ भी जहरीली शराब से मौत होने का कारण तथ्य प्रकाश में आएगा वहाँ इस क्लास को
अधिकृत किया जाए। ये कब से मतलब ये था, कब संशोधन हुआ था? 1910 से ये शायद था और प्रावधान में कभी संशोधन नहीं हुआ। हाँ, योगी सरकार ने किया है। ये पिछले अक्टूबर में शायद हुआ था, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं, ठीक, लेकिन अक्टूबर 17 में हुआ। अब फांसी होगी? जी हाँ, पहले जो है जो जुर्माना था वो काफी कम था, उसकी राशि को भी कई गुना बढ़ा दिया गया। तो सुना आपने, योगी सरकार के कड़े फैसले को दो तरीकों से देखा जा सकता है। पहला कि जहरीली शराब बनाने वाले अब इसके आतंक से निश्चित रूप से डरेंगे, और दूसरा कानून की सख्ती के वजह से अवैध रूप से बनने वाले कच्ची शराब पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। निश्चित रूप से ये फैसला आने वाले समय में जहरीली शराब बनाने वालों के लिए कहर बनकर बरपेगा। नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची प्रदेश की वैश्विक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि अब प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। मंगलवार को 1260 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र के वितरण का काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि चौपाल के माध्यम से सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को गाँव तक पहुँचा रही है और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण कर रही है। शिक्षकों की स्कूल में समय से उपस्थिति के बारे में पूछे गए सवाल पर अनुपमा जायसवाल ने कहा कि सरकार बदली है, उसके बाद स्कूलों के हालात भी बदले हैं। उन्होंने कहा, निर्णय लिया गया 12460 के जो अध्यापक थे और न्यायालय में एक लंबी लड़ाई लड़ गए और एक बड़ी धमकी स्कूल के सामने थी, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने मिनटों में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करते हुए तत्काल इसके ऊपर निर्णय लिया, जिसके कारण 12460 जो प्रदेश के होनहार शिक्षक थे उनको आज उनके नियुक्ति पत्र मिले। और उससे बढ़कर भी बात यह है कि यह प्रमाण पत्र एक आयोजन करके और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथों से बांटने का काम किया है। मैं ऐसे सभी नवनियुक्त अध्यापकों को, शिक्षकों को बधाई देती हूँ। और उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिस तरीके से देश भी एक माहौल बना है, एक विश्वास का माहौल बनाया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके कारण उत्तर प्रदेश भी आज विकास के रास्ते पर आरूढ़ है। और आप देख रहे हैं कि गाँव में प्रवासों के माध्यम से क्या मुख्यमंत्री हों, चाहे उपमुख्यमंत्री हों, उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री हों, मैंने खुद भी 3 जगह प्रवास किया है और आज भी संत कबीर नगर में मेरा भी आज चौपाल का कार्यक्रम है, प्रवास का कार्यक्रम है। तो गाँव पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जब गाँव वाले मंत्रियों को अपने बीच में पाते हैं, मंत्रियों को अपने साथ खाते हुए देखते हैं, मुख्यमंत्री को चारपाई पर सोया हुआ देख रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में जिले भर के अधिकारी वहाँ पहुँचकर उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण कर रहे हैं और जो सरकारी योजनाएं उनका प्रचार प्रसार करने का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जो गांव का व्यक्ति होता है हर बार उसके लिए जो योजनाएं बनाई जाती है वो जान नहीं पाता है। तो ये बड़ी बात है, चाहे वो निःशुल्क आवास की बात हो, सौभाग्य योजना के तहत वितरण की बात हो, वैसे शिक्षा विद्यालयों की अच्छी हो रही सुधार की प्रगति की बात हो, बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उनकी बात हो, हर तरीके से यह उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक ले जाने का काम कर रही है। और मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत उनकी सराहना करती हूँ। चौपालों में देखा जाए तो अक्सर शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालयों में समय से नहीं हो पा रही, शिक्षकों की उपस्थिति विद्यालयों में समय से नहीं हो पा रही, उसके लिए क्या है? एक बदलाव जो आया है वो सभी महसूस कर रहे हैं और ये बीते दिनों की बात है जब स्कूल नहीं पहुँचेंगे, स्कूल को पहुँचना है, सर नौकरी देने का काम भी सरकार कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर स्थित एक अपार्टमेंट में किराए पर रहने वाले शराफा व्यापारी की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतिका अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। मंगलवार सुबह 11:15 बजे अनुपम कुशवाहा ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी पत्नी नीलम को देखा और नीलम के घर वालों को फोन करके घटना की जानकारी दी। परिवार वाले आनंद फानंद में नीलम को अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका के भाई ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। Yeah.
यार कोई नहीं मारेगा बेटा क्या हुआ है तुम स्कूल थे क्या मम्मी मम्मी हमको छोड़ी भी है स्कूल के अरे बाप रे कैसे दवाइया करूँ बच्चा ने रोआ आपका शुभम कुशवाहा शुभम क्या हुआ है आपकी बहन के साथ अरे नारद भी यहाँ मेरे हस्बैंड ने बहुत ही बुरी तरीके से जब से शादी हुई तब से बहुत ज़्यादा जब से शादी हुई तब से बहुत ज़्यादा परेशान करते थे हमको मारते पीटते थे आज कुछ ऐसी मालूम नहीं क्या कंडीशन आ गया कि जिसकी वजह से उन्होंने फांसी लगा दिया क्या नाम है आपके बहन का नाम नीलम कुशवाहा है उनके पति का अनुपम कुशवाहा क्या करते हैं ये उनके सराफी की दुकान है घंटाघर में खरीद दिया है हाँ दिया हुआ है अब पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या सही है क्या गलत है कि फांसी लगा के मरी है कि क्या हुआ है मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य अभियंता इंजीनियर एन के श्रीवास्तव मोहदीपुर स्थित विद्युत कार्यालय पहुँचे और कार्यभार संभाला विभाग के अन्य कर्मचारियों से मुलाकात करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा विद्युत कर्मचारी अपने कार्य को ईमानदारी के साथ करें और विद्युत उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने से बचें इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यवाहक मुख्य अभियंता इंजीनियर एन के श्रीवास्तव ने कहा सारे मीटर रीडर को एक जगह इकट्ठा कराया हेलो गोरखपुर काफ़ी सेंसिटिव है माननीय मुख्यमंत्री जी का इलाका है यहाँ से लोगों को बहुत अपेक्षाएं हैं और हम लोग ये चाहेंगे कि शहर वासियों को अच्छी से अच्छी सुविधा दें जितनी सरकार की योजनाएं हैं जैसे सौभाग्य योजना चल रही है गरीबों को मुफ्त कनेक्शन का और शहर को बेहतर बिजली देने के लिए हम लोगों ने शहर के लिए स्पेशल एक प्रोग्राम भी बनाया है एक रिंग मेन योजना जिसमें सारे 33 फीटर्स को हम अल्टरनेट सप्लाई देंगे उसका काम भी शुरू हो गया है और भी तमाम सारे ऐसे स्काडा में भी काम हुए हैं शहर के अंदर में अंडरग्राउंडिंग का काम चल रहा है और कई सारी ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं बहुत सारे हमारे जो ओवरलोडेड फीडर्स थे उनके बाइफर्केशन करके अच्छी बिजली बेहतर से बेहतर बिजली अच्छे वोल्टेज के साथ में और कंटिन्यूटी के साथ में ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ये सब हमारी प्राथमिकता का है और जहाँ तक आपने कहा कैसे निपटेंगे तो सरकार का और विभाग का भी रुख बहुत स्पष्ट है कि काम सबको करना पड़ेगा और सख्ती से जो नहीं करेगा या जो बाधा पैदा करेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा और हमारा कर्तव्य है उसका हम पालन करेंगे और साथ में जनता में भी ऐसे लोग जो हैं जो कि
नहीं हमारे साथ सहयोग करेंगे उनसे भी हम सख्ती से निपटेंगे। बिजली चोरी के खिलाफ हम लोगों ने आज से एक नया अभियान भी शुरू कर दिया है और जितने जहां जिन पोषकों पर ज़्यादा चोरी है उस पर हम लोग रेड का कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं आज से, और ताकि जो लोग ईमानदारी से पैसा देते हैं उनको बेहतर बिजली मिले और जो चोरी करते हैं उनको सजा मिले। और हाँ जी, आप बकायदार बहुत से हैं सर, उसको बकायदार हैं, काफ़ी काम हुआ है और ये सतत प्रक्रिया है, और भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमको लगता है कि हम लोग अच्छा कर सकते हैं एक अच्छी भावना के साथ। मंगलवार को मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित हुए और वर्षों पहले शिकागो में मजदूर आंदोलन के दौरान शहीद हुए मजदूरों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश मेडिकल एनेस्थेसिस एसोसिएशन, विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश, हिंदू मजदूर संघ सहित अन्य संगठन के सदस्य उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कामरेड सूरज प्रसाद राय और पूर्वांचल अध्यक्ष हिंदू मजदूर संघ अश्वनी पांडे ने कहा, का विरोध है। ये जो मई दिवस को इंटरनेशनल डे है आज पूरा संसार में मनाया जा रहा है, उसी पर्व में ये प्रोग्राम आज का है। जो स्टूडेंट उस जमाने में हुआ था उसका काम आज नहीं हो रहा है। वैरायटी, डिजाइन, नाम, विकास तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन जो उस जमाने में हो रहा था कि 8 घंटे का ड्यूटी नहीं दे रहे सरकार, 24 घंटा करता था उस जमाने में, तो केवल 8 घंटा ड्यूटी को जमान थी। अब तो आईएलओ ने 40 घंटा कर दिया है, तब भी सरकार नहीं ये मान नहीं रहे देश का संसार मार रही है। तो ये सेरेमोनियल फंक्शन है, हर एक साल पहली मई को हम आपको इंकलाब जिंदाबाद, 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 दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, मई दिवस जिंदाबाद, 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 दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, जिंदाबाद, मजदूर दिवस जिंदाबाद, जिंदाबाद, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा, मई दिवस जिंदाबाद, 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 मई दिवस इंकलाब जिंदाबाद, 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 अमर शहीद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संदेश ये देना चाहते हैं कि 1946 में औद्योगिक मजदूरों के लिए जो कानून बना था जिसके अनुसार निश्चित था उनकी सेवा सुरक्षा निश्चित थी, उसको इस सरकार ने बदल दिया है। और एक मौजूदा सरकार ने जो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था की है वह ठेकेदारी प्रथा का ही एक रूप है। ठेकेदार के रूप में, ठेकेदार की कर्मचारी के रूप में मजदूर आ जाएगा, मजदूर की सेवा सुरक्षा कुछ नहीं है। अगर मजदूर की चेतना में वृद्धि नहीं हुई, मजदूर अपने हक को नहीं समझा, तो 1948 का जो काम के घंटे का कानून है उसको भी सरकार संशोधित करना चाहती है। पूरी दुनिया में आज एक साथ मनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व जिसे हम मई दिवस, मजदूर दिवस के नाम से जानते हैं, इसके पीछे एक इतिहास है। पहले पूरे यूरोप में मजदूरों से कोई घंटा निर्धारित नहीं था काम करने का, अनवरत काम करते रहना है, न तो पगार कोई निर्धारित था, न तो काम के घंटे का कोई निर्धारित था। छोटे छोटे संगठनों ने ये 1870 से ही छोटा छोटा संगठन बना करके एक आंदोलन धीरे धीरे मूवमेंट में आ गया था। और मार्क्स और एंजल्स ने जो दुनिया को श्रम शक्ति के बारे में बताया, यह धीरे धीरे लोगों को श्रम शक्ति के बारे में जानकारी होने लगी।
और यह बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे इसी 1886 में ही पहले 1 मई को छोटे छोटे कल कारखानों के लोगों ने हड़ताल की नींव रखी और ये हड़ताल की नींव चलने लगी। कुछ कारखानों में हड़ताल हुआ, 2 मई को कुछ कारखानों में हड़ताल हुआ, 3 मई को एक और व्यापक हड़ताल हुआ और 3 मई के हड़ताल में कई मजदूर मारे गए। फिर 4 मई को जो हड़ताल हुआ, उस 4 मई के हड़ताल में पूरा शहर, जिस तबके में कपड़ा उद्योग हो, सीमेंट उद्योग हो, चीनी उद्योग हो, सारे उद्योगों के मजदूरों ने एक विशाल प्रदर्शन करने का काम शुरू किया और उसमें एक बम कांड हुआ। पूंजीपतियों के लोगों ने, सरमाएदारों ने बम करके कुछ मजदूरों पर हत्या करवाई और उसके बाद वहाँ की जालिमाना हुकूमत ने तड़ातड़ गोलियाँ चलवाना शुरू की और चलातड़ गोलियाँ जो चलने लगी, जो आज यह लाल झंडा देख रहे हैं, यह मजदूरों के रक्त से भीगा हुआ लाल झंडा है, तभी से लाल झंडे का निशान शुरू हुआ। और फिर जब उसके बाद यूरोप में एक सारे श्रम संगठनों का एक सम्मेलन हुआ और तय हो गया 1891 में कि मई दिवस को दुनिया का सबसे बड़ा पर्व माना जाएगा और उसी दिवस से पूरे दुनिया के मजदूरों को एक करने का काम किया जाएगा। सभी जाति धर्म मजहब का कोई मतलब नहीं, केवल श्रम का मतलब यह है। दुनिया को नई खोज दिया मार्क्स ने और मई दिवस के नाम पर उसी समय से पूरी दुनिया में एक बड़ा त्यौहार मना करके संगठन को मजबूत करने का और जो श्रम सुविधाएं धीरे 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 इस संघर्ष के बदौलत निर्धारित हुई उनको लागू कराने का, ट्रेडों में काम करने वाले लोगों का ट्रेड यूनियन बनाने का और जो भी सुविधाएं हैं, फैक्ट्री एक्ट हो, शॉप एंड कमर्शियल एक्ट हो, बोनस एक्ट हो, ग्रेजुटी एक्ट हो, विभिन्न सुविधाओं को लागू कराने का जो काम शुरू हुआ, यह मई दिवस का सबसे बड़ा। लेकिन आज की जो वर्तमान सरकार है इन सबको रौंदती जा रही है। आज उस समय से भी आवश्यकता हो गई है कि हम संगठित हों और उन कानूनों को बनाने के अलावा जो नए नए संकट पैदा हो रहे हैं, नई नई परिस्थितियां सरमायेदारों पूंजीपतियों द्वारा पैदा की जा रही हैं, उसको लड़ने के लिए एक विकल्प की जरूरत है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार छात्रों को यातायात के संबंध में यातायात नियमों और संकेत की जानकारी मारवाड़ इंटर कॉलेज में दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य RN गुप्ता सहित अन्य शिक्षकगण और छात्र मौजूद रहे। विद्यालय में छात्रों को TSI जगनारायण ने यातायात नियमों और संकेतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। सड़क पर चलते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए उनके बारे में छात्रों को बताया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विद्यालय के छात्र ने यातायात नियमों के बारे में कहा। वैसे भी उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा हर वर्ष यातायात साइकिल चलाता रहता है सड़क पर और इधर उधर से बचने वाला भी मजबूरी में आपको कभी कभी ठोकर मार देता है। इसके अलावा आपके घर परिवार में तमाम लोग मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हैं, उनको हेलमेट लगाना चाहिए। आप लोग अगर जिम करेंगे तो आपके माता भाई सब लोग इस तरह का कार्य करेंगे। हम लोग 1 माह से 30 नवम्बर तक हेलो तो यातायात प्रचार प्रसार का काम करते हैं। इधर सरकार द्वारा दुर्घटनाओं की समीक्षा की गई है जिसमें बड़े पैमाने पर नए युवकों की बगैर हेलमेट के कारण मृत्यु हुई है और घायल हुए हैं। इसी के क्रम में आपके विद्यालय में हम लोग आए हुए हैं ताकि यातायात के बारे में, उसके संकेतों के बारे में, उसके महत्व के बारे में हम आपको जानकारी दें। देखिए, यह सभी बच्चे अपने साथ बैग लेके आए हैं लेकिन इन्हीं के माता पिता, इन्हीं के भाई बंधु साथी जब मोटरसाइकिल लेके चलते हैं तो उसके साथ हेलमेट नहीं लेते हैं। तो हम तो ये कहते हैं इन बच्चों से हमें सीखने की ज़रूरत है कि बच्चा विद्यालय जा रहा है, अपने बैग को बोझ नहीं समझता है और विद्यालय ले जा रहा है, अपने कर्तव्य के प्रति कितना जागरूक है। हम लोग मोटरसाइकिल लेके चलते हैं तो लापरवाही के कारण, बोझ के कारण हेलमेट नहीं लेके जाते हैं जिससे कब बहुत से बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इससे महत्वपूर्ण आपको बताएँ,
कि कान में जो नीच लगाकर चल रहे हैं। अभी इतनी बड़ी दुर्घटना जो कि उसी नगर ही नहीं गोरखपुर के आसपास जिलों में भी, गोरखपुर सहित आसपास जिलों में भी लोगों का हृदय कांप गया। अभी भी मैं देखता हूँ कि मोटरसाइकिल कार चलाते हैं, कान में नीच लगा कर चलते हैं, इससे सीख नहीं रहे। इसके मतलब कि आप कानून का सही रूप से पालन नहीं कर रहे, यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे। यातायात नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो घटनाएं हुई हैं वो घटनाएं नहीं होंगी। बच्चों, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये संदेश आपके माता पिता को जाएगा। कभी भी आपके वाहन हो, जैसे बस हो, बस में बच्चे सवार होकर स्कूल जाते हैं, अगर काम में नींद लगा के ड्राइवर चलाता है तो आप लोग एक सवर में जब तुरंत ही चलते हैं, गाड़ी बैठते हैं, काम में नींद लगाया है उसको आप रोकिए, उसको बताइए काम में से नींद लगाइए, निकाल दीजिए, तभी मैं विद्यालय जाऊँगा। उसको रोकना हो गया। अगर वो बच्चे थे थोड़ा सा इसमें ध्यान दिए होते, उसका कान गली नीचे बाहर निकाल देते, इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। इसे ध्यान देने वाली बात है। कभी भी रोड पर चलते हैं कान में नींद ना लगाइए। गली कूचों से रोड पर आते हैं, नए बच्चे हैं, नए लड़के, तेज गति से, एक इतना तेज गति से रोड पर आते हैं कि इधर से पीछे आने वाला व्यक्ति खुद ही घबरा के गिर जाता है या रुक में लग जाएगा। तो गली कूचों से आने पर आप अपने गाड़ी को स्लो कर लीजिए और दाहिने बाएं देख लीजिए, कोई बाहर नहीं आ रहा है, आप रोड पर चले जाइए। यातायात नियमों के बारे में क्या सीखा आपने इसे? हमने सीखा कि सबको गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि हेलमेट पहन के, लाइसेंस, तेज नहीं गाड़ी चलाना चाहिए, टेढ़े मेढ़े गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, या सबको अपने घर वालों को सबको बताना चाहिए हमको। क्या नाम है? राहुल। अभी क्या सीखे हो? हमें ये करना चाहिए कि हम अपने घर पे जाकर जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उनसे कहना चाहिए कि अरे अब कार पे सीट हेलमेट लगाएं और बाइक चलाने के समय हेलमेट लगाएं और हेडफोन का यूज ना करें बाइक चलाने के समय। बस इतना ही कहना चाहते हैं। मेरा नाम आयुषी है और गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाना चाहिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना चाहिए और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाना चाहिए। घर पे जाके बताओगे सबको? हाँ, सबसे कहेंगे। मंगलवार को 1 मई मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय भवन निर्माण मजदूर यूनियन द्वारा पद यात्रा का कार्यक्रम किया गया। पद यात्रा का उद्देश्य था कि बिखरे हुए मजदूरों को जागरूक करके संगठित करना और उनकी समस्याओं का निस्तारण करना है। पद यात्रा गोलघर काली मंदिर से शुरू होकर नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एक जनसभा के साथ समाप्त हुई। इस अवसर पर यूनियन के पदाधिकारी और समस्त मजदूर मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय भवन निर्माण एवं अन्य मजदूर यूनियन उमाशंकर सिंह ने कहा, मजदूर दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय भवन निर्माण व अन्य मजदूर यूनियन के तत्वाधान में आज ये विशाल जुलूस निकल रहा है। इसका मुख्य लक्ष्य जो है असंगठित क्षेत्र के उन करोड़ों मजदूरों को जागरूक कर एक मंच पर लाना और उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर जो असंगठित मजदूरों का शोषण और उत्पीड़न हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ करके इनको न्याय दिलाना हमारी प्रमुखता में है। आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइन पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक स्कूलों के 854 सहायक अध्यापकों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर दे नौनिहालों को शिक्षा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के अंतिम दिन कूड़ाघाट स्थित निर्माणाधीन एम्स कार्यों की प्रगति का किया निरीक्षण, कहा 2 साल में लोगों को मिलेगा एम्स में इलाज का पूरा लाभ। लखनऊ रवाना होने से पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने नन्ना नगर रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे अंडरपास के एक निर्माण कार्य का लिया जायजा, संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का दिया निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए है कटिबद्ध, प्रदेश में 20,000 माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया है जारी। साइबर अपराध पर पुलिस लाइन सभागार में आयोजित हुई कार्यशाला, पुलिस कर्मियों को दी गई साइबर क्राइम रोकने की जानकारी।
मजदूर दिवस के अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को दी श्रद्धांजलि। शराब से हुई मौत तो दोषी को दी जाएगी फांसी, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नियम बनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य। गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव खबर। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा सरकार बदली तो स्कूलों के हालात भी बदले हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में कोतवाली थाना क्षेत्र के हजारीपुर में महिला की हुई मौत। कार्यवाहक मुख्य अभियंता ने संभाला कार्यभार, विद्युत कर्मचारियों ने किया स्वागत। मजदूर दिवस पर विभिन्न संगठनों ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। दुर्घटनाओं से बचने के लिए विद्यालय में बच्चों को यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों के बारे में किया जा रहा है जागरूक। और मजदूरों को जागरूक करने के लिए मजदूर दिवस के दिन मजदूर यूनियन के संगठनों ने निकाली पद यात्रा। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले क्रम में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।